एल्विश यादव मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें कि एल्विश यादव की हाल में ही तबीयत बिगड़ी थी, जहां पर डेंगू मलेरिया सीबीसी का टेस्ट हुआ और गुरुग्राम के निजी अस्पताल ने एल्विश यादव को बेड रेस्ट की सलाह दी है। लेकिन इसी बीच में एल्विश यादव को लेकर की एक बड़ी खबर ये सामने आई कि एल्विश यादव से पूछताछ पुलिस एक सीक्रेट जगह पर करेगी। जी हाँ, बताते चले आपको कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर के मुताबिक 54 घंटे की रिमांड उन 5 आरोपियों की पुलिस को दे दी गई है। अब 54 घंटे की रिमांड में पुलिस उन 5 आरोपियों से भी पूछताछ करेगी और एल्विश यादव को भी उसी सीक्रेट जगह पर ले जाएगी जहां उन 5 आरोपियों को रखा गया है, और साथ ही इन दोनों से आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस ने एक प्रश्नावली भी तैयार की है, यानी कि क्वेश्चन पेपर भी बनाया है, जिसके आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव और 5 आरोपियों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी, साथ ही स्टिंग ऑपरेशन पर रिएक्शन भी मांगा जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। क्या एल्विश यादव ने पहली पूछताछ में जिन सवालों के जवाब दिए हैं, क्या उन्हीं जवाबों पर एल्विश आज भी टिके रहेंगे या फिर नहीं, इसके लिए सीक्रेट जगह पर एल्विश के साथ उन 5 आरोपियों की पूछताछ की जाने वाली है। इसी बीच में खबर ये सामने आई थी कि एल्विश की तबीयत बिगड़ी हुई है। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि एल्विश यादव बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इसी बीच में खबर ये सामने आ रही है कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल सिंगर जो फाजिलपुरिया हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर भी लटक रही है। बता दें कि एल्विश ने सीधे तौर पर फाजिलपुरिया का नाम लिया है। फाजिलपुरिया वो शख्स बताए जा रहे हैं जो सांपों का अरेंजमेंट किया करते थे और शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। अब देखना यह है कि एल्विश और फाजिलपुरिया का इस पूरे मामले में आके किस तरीके से हाथ सामने आता है, और सांपों की तस्करी मामले में, जहर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मामले में, रेव पार्टी करने के मामले में यूट्यूबर्स किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के चंगुल में फंसते हैं।